वक्फ अदालत और अवाम के सवाल सीरीज के चौथे एपिसोड में आज गुलबर्गा शहर की महबस मस्जिद कमेटी के जरिए हो रहे घोटालों का पर्दाफाश किया गया है और गुलबर्गा शहर के हर एक शख्स को ये वीडियो देखना बेहद जरूरी है। गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए वक्फ अदालत और अवाम के सवाल नामी एक सीरीज स्टार्ट की गई है जिसके जरिए लगातार उन इश्यूज को बेनकाब किया जा रहा है जिनको वक्फ अदालत में मिनिस्टर बीजर जमीर अहमद खान को शिकायत दर्ज कराई गई है। वक्फ अदालत में डोकर नंबर 7 के जरिए साबिका नॉमिनेटेड कॉरपोरेटर और सोशल एक्टिविस्ट इम्तियाज सिद्दीकी ने शहर के खदीम महबस मस्जिद कमेटी के खिलाफ पूरे सबूतों के साथ शिकायत दर्ज कराई है। इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा, महबस मस्जिद गुलबर्गा शहर में कदीम वक्फ इंस्टीट्यूट है जिस पर पिछले 25 सालों से कुछ मखसूस लोगों ने कमेटी के जरिए कब्जा जमाए बैठे हैं। इम्तियाज सिद्दीकी ने कमेटी के खिलाफ बीजर जमीर अहमद खान को शिकायत कर कहा, फौरी तौर पर मस्जिद महबस कमेटी को बर्खास्त कर इस इंस्टीट्यूट को डायरेक्ट वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट में लिया जाए और पूरे गुलबर्गा से लोगों को जनरल बॉडी मेंबर्स की लिस्ट में जोड़कर इलेक्शन के जरिए नई कमेटी बनाने का मुतालिबा किया गया है। मस्जिद महबस कमेटी पर यह भी इल्ज़ाम है कि इस कमेटी में मखसूस 4 से 5 फैमिली के लोग ही इन्वॉल्व हैं और 25 सालों से मस्जिद के जरिए आने वाली इनकम से करोड़ों रुपयों का हिसाब हजम किया गया है। गुलबर्गा शहर इस बात का गवाह है कि मस्जिद महबस के आतराज सुपरमार्केट जैसे एरिया में 500 के करीब दुकानें मौजूद हैं जिसका किराया वक्फ बोर्ड में ना के बराबर जमा किया जाता है, यानी महीने का हिसाब करोड़ों रुपयों में आता है पर सिर्फ 10% भी वक्फ बोर्ड में जमा नहीं होता। बाकी पैसा कहाँ जा रहा है इसका हिसाब सिर्फ उन मखसूस लोगों के पास है जो कमेटी के नाम पर कब्जा जमाए बैठे हैं। इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा, पिछले 25 सालों से ना ही कमेटी बदली है और ना ही यहाँ किसी और को मैनेजमेंट में घुसने दिया जाता है और शर्म की बात तो यह है कि मस्जिद से आने वाली इनकम के जरिए गुलबर्गा शहर के गरीब मुसलमानों का फायदा करने के बजाय कमेटी के जिम्मेदार अपने जाती बिजनेस और रियल इस्टेट में पैसा लगाकर खुद करोड़पति बनते जा रहे हैं। महबस मस्जिद एक ऐसा वक्फ इदारा है जिसके इनकम को सही से इस्तेमाल किया जाए तो गुलबर्गा शहर के हर इमाम और मौजन के बच्चों को वक्फ बोर्ड के जरिए फ्री तालीम दी जा सकती है और कई यतीम और बेवाओं का वजीफा मुकर्रर किया जा सकता है। पर अफसोस, लगातार पॉलिटिकल सपोर्ट के चलते कुछ मखसूस लोग ही इससे फ़ायदा हासिल करते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी हैरत की बात तो यह है कि इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा, मस्जिद कमेटी में आधे से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने और उन्हें बेचने के इल्ज़ाम और सबूत मौजूद हैं। इम्तियाज सिद्दीकी ने इनके खिलाफ सबूत बताते हुए कहा, महबस मस्जिद कमेटी में कुछ लोगों ने दरगाह हजरत ख्वाजा बंदनवाज की सर्वे नंबर 33 गजेट नोटिफाइड प्रॉपर्टी पर एशियन मॉल तामीर किया है और इसके अलावा हीरापुर मस्जिद की 24 एकड़ प्राइम प्रॉपर्टी जो रिंग रोड पर मौजूद है इसको भी कब्जा करने वाले लोग महबस मस्जिद कमेटी में मौजूद हैं। और महबस मस्जिद कमेटी पर यह भी इल्ज़ाम है कि मस्जिद के जरिए आने वाली इनकम से कई एक प्रॉपर्टी खरीदी गई है जिसको अपने जाती ट्रस्ट के नाम पर लिया गया है, जिसमें से एक ज़मीन पर इस्लामाबाद कॉलोनी में मदरसा चलाया जा रहा है। इम्तियाज सिद्दीकी ने तमाम सबूतों के साथ बीजर जमीर अहमद खान को शिकायत कर कहा, वक्फ की ज़मीन कब्जा करने वाले नामचीन लोग मस्जिद कमेटी संभाल रहे हैं। अब देखना यह है कि बीजर जमीर अहमद खान की वक्फ अदालत में गरीब और कमज़ोर मुतवलियों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा या फिर महबस मस्जिद कमेटी में कब्जा जमाए बैठे बड़े नामचीन और पॉलिटिकल सपोर्ट रखने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मजीद इम्तियाज सिद्दीकी ने इस मामले में क्या कहा, जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं ये शिकायत वक्फ अदालत में जनाब बीजेड जमीर अहमद खान साहब से, गुलबर्गा की एक ऐसी मस्जिद जो कर्नाटक में दूसरा ऐसा इदारा है जिसमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता है, मुझे मैं अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी मस्जिद के बारे में आ गया हूँ क्योंकि फिल वक्त मसाजिद मुश्किल से दो चार हैं, लेकिन मैं मजबूर होकर आना पड़ा। पिछले माजी के कुछ लीडरान ने ऐसी हरकत कर गए हैं जिसकी वजह से मुझे मजबूर होकर आना पड़ा। जनाब जमीर अहमद खान वक्फ मिनिस्टर ने ये तसल्ली दी थी कि भाई जब तक वो मिनिस्टर रहेंगे ये सब कामों को मुकम्मल करेंगे। मैं आया हूँ महबस की मस्जिद के लिए, मैं महबस की मस्जिद की तफसीलात के साथ हूँ। मैंने एक कंप्लेंट लिखकर तफसील दिया है क्योंकि महबस की मस्जिद में 470 से ज़्यादा दुकानें हैं, आप अंदाज़ा लगाइए। वो गुलबर्गे के दिल की जगह पे है महबस की मस्जिद, सबसे बड़ा इदारा है गुलबर्गे का। मैं समझता हूँ कि पूरे कर्नाटक में दूसरा बड़ा इदारा है, उसके बावजूद भी उससे कौम को और शहरिया ने गुलबर्गा को आज तक कभी कोई फ़ायदा हुआ ना, उम्मीद आगे है होने की। वो इसलिए है कि वहाँ पर एक सिस्टम बनाया गया है, माजी के कुछ एमएलए
कुछ लीडरान ने एक ऐसा सिस्टम बनाया था कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन कैसे खरीदी जा सकती है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन को कैसे बेची जा सकती है। वो लोग मखसूस 9 आदमी हैं जो वहाँ के प्राइम मेंबर हैं, वो 9 आदमी वक्फ बोर्ड की, जैसे सर्वे नंबर 33, वो लोग खरीदे। वो KBN ख्वाजा बंदे नवाज गेजुदराज रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर है। मेरे पास गेजेट नोटिफाइड डॉक्यूमेंट्स के साथ आया हूँ, जो आप मैं इंशाल्लाह गुलबर्गा हेडलाइंस के सदर को या उनके मालिक को ये दे दूंगा, ताकि आपको देखने में आसानी रहे। ये लोग एक सिस्टम बनाए हैं, कुछ लोग मिलकर पहले खुद ज़मीन ख़रीदते हैं वक्फ बोर्ड की, उसके बाद उसके लिंक पेपर्स बनते हैं, फिर ये आगे जाके उन्हीं में से, उन्हीं के 9 आदमियों में से, और उनके पास ये सिस्टम है, हम ही ख़रीदते हैं, हम ही बनाते हैं, हम ही बेच देते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, इतनी बड़ी जगह जहाँ पे KBN हॉस्पिटल को आगे पार्किंग के लिए जगह नहीं है, इतना बड़ा एशियन मॉल खड़ा करें। जब भी कोई आदमी उनके खिलाफ जाता है, या तो मिनिस्टर या तो MLA, उनके घरों को ये लोग पहुंच जाते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, महबस की मस्जिद के पैसों से मदरसा बनाए वो लोग इस्लामाबाद कॉलोनी में, एक ट्रस्ट बना के। आप सोचिए, मस्जिद के पैसे से ऑलरेडी मस्जिद एक ट्रस्ट में है, वक्फ बोर्ड के जेर निगरानी है। आपको एक और ट्रस्ट बना के यही लोग वहाँ रखकर वहाँ मदरसा कायम करने की, ये मेरे समझ में नहीं आया। आप जेर निगरानी महबस की मस्जिद, महबस के सदर उन्हीं के जेर निगरानी रख के चला सकते थे। आपने ज़मीन वहाँ के पैसे से खरीदी, वहाँ के ट्रस्टियों को अलग ट्रस्टी बनाया। ये सब शहर के उन मासूम लोगों को धोखा देना, और इन लोगों, और आप, खास बात मुझे तकलीफ इस बात की है, जब कोई सदर 25 साल से एक ही सदर रहे, 25 साल तक वो एक ही सदर रहे, अब उनके जाने के बाद में अब दूसरे, वहाँ पे दूसरा कोई आदमी मेंबर नहीं बन सकता। 300 चिल्लर कुछ मेंबर है, उनकी भी लिस्ट है। मैं आपसे बिलावजह बात करने नहीं आया, और वो सिर्फ सैलरीड भी लाया हूँ साथ में, साथ में ये मेंबरशिप है, हाँ, या वहाँ की ही मेंबरशिप है, या दे जाऊँगा ताकि आपके काम में आए। ये मेंबरशिप ये उन्हीं लोगों को, इसमें उन तमाम लोगों को मौका दें जो लोग बाजार में रहते हैं। आपने आपके मिजाज के लोगों को मौका देकर, आपके मिजाज के लोगों को मेंबर बनाकर, और आप ही के मिजाज के लोगों से मीटिंग कर फैसले नहीं। वहाँ पे जो ऑलरेडी ताजिर हैं, जिनके बड़े बड़े दुकान हैं, वो लोग 2 करोड़ 3 करोड़ बगैर इंटरेस्ट के वहाँ से पैसे ले लेते हैं, मस्जिद की लेकर ज़मीनात खरीद लेते हैं, वो महंगे हो जाते हैं बाद में, 2-5 साल बाद में वो पैसे लौटाते हैं, फिर दूसरा आदमी ले लेता है। जब आप ही लोग मस्जिद के पैसे से भी तिजारत करेंगे तो कौम का क्या होगा। आप एक लिस्ट इसी गुलबर्गा हेडलाइंस पे आप एक लिस्ट दे, आपके पास से कितने बच्चे मेडिकल कर रहे हैं, क्योंकि मैं छोटी छोटी बातें नहीं, अरबी के मौल साहब की कितनी तनख्वाह दी है नहीं पूछने वाला हूँ। आप मेडिकल वहाँ पे अल्लाह ने इतना दिया है, मेडिकल कितने कर रहे हैं आपके पास से, इंजीनियरिंग कितने कर रहे हैं आपके पास से, ये मैं चाहता हूँ। ऐसे अहदे जो बच्चों को कोई आपके मस्जिद के पैसों से IAS IPS की भी KS कोई बना, ये है मिसाल बनने की बात। आपके पास, आपका कौन सा ऐसा इदारा है, आपके इदारे में ऐसा बनाइए, ऐसा स्कूल बनाइए जिससे कौम को फ़ायदा हो। सिर्फ वो लोगों को फ़ायदा हो रहा है जो सुपरमार्केट में बड़े बड़े कांच के ग्लास के दुकानें बना के बैठे हैं, उन्हीं को फ़ायदा हो रहा है। पहले बाप मेंबर रहेंगे, बाप मरेगा बेटा मेंबर रहेगा, पहले बाप लेगा पैसे 1-2 करोड़, फिर बेटा लेगा पैसे। क्या ये आप लोगों की मिल्कियत है? ये मुतवल्ली से भी ज़्यादा मसला हो गया। सर्वे नंबर 33, ये भी वक्फ बोर्ड की है, ये अच्छी तरह जानते हैं आप लोग। ये मस्जिद, ये ख्वाजा हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेतु दराज रहमतुल्लाह अलैह की ज़मीन है, ये ज़मीन पे भी सीधे सीधे मानों में कब्जा है। एशियन मॉल की ज़मीन सर्वे नंबर, मैं आप सर्वे नंबर के साथ बोल रहा हूँ, सर्वे नंबर 33, ये आप लोग
क्यों धोखा दे रहे हो, इसका हिसाब किया जाएगा, अल्लाह हिसाब लेगा। जमीर अहमद खान साहब, ये मैं कौम से ज्यादा आपको बताना चाहता हूँ। आप बार बार लोगों को डरा रहे थे कि कीड़े पड़ के मरेंगे, पहले कीड़े पड़ के मरने के बाद भी नसीहत नहीं हुई लोगों को, पहले लोग कीड़े पड़ के मर गए हैं, नसीहत नहीं हुई। और एक बात आपको बताता हूँ, आप जो वफ अदालत वो शादी खाने में रखे थे, आपके स्टेज पे ही कई ऐसे लोग बैठे थे जिनकी नाम पे वफ की जमीन है। हजरत अली पहले सस्पेंडेड आदमी था, वो वापिस सेम प्लेस पे कैसा आए, उनको कोई ना कोई तो सपोर्ट कर रहे थे। अब जो इनको सपोर्ट कर रहे थे उनके खिलाफ तो नहीं जा सकते। उन जिस महबस की मस्जिद का मैं जिक्र कर रहा हूँ, आपको ये लोग इतने होशियार हैं कि अभी इस कंप्लेंट के बाद भी आपसे रابطہ पैदा करेंगे, बोलेंगे ये सब लोग। देखिए आपको मैं क्लियर करता हूँ, शहरयार गुलबर्गा को मुझे मस्जिद में ना मेंबरशिप चाहिए, ना ही कोई मेरा बाजार में मैं ताजिर हूँ, ना ही मुझे मस्जिद से कोई लोन चाहिए। मुझे सिर्फ गरीबों के लिए तालीम का कोई जरिया हो, उनकी माशी हालत सुधर जाए, बस मेरा मकसद ये है। और मैं आज आकर ये टोकन लेकर आपके सामने आने की भी वजह यही है कि मसला हल हो, कौम का मेरा नहीं। मैं सिर्फ आपकी दुआओं का इंशाल्लाह, अगर इससे आपको कोई फायदा इस्तफीद हुआ तो उसमें भी मेरा अल्लाह मुझे उसका अजर देगा इंशाल्लाह। और रही बात महबस के मस्जिद के लोग ये बताते हैं कि इनके पीछे ज्यादा से ज्यादा नॉर्थ MLA, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर, ये उन तमाम लोगों का, अगर ये इनका साथ ना दें तो फिर इनकी जमात के अमीरों का साथ लेते हैं ये लेकर। तभी इतनी हिम्मत तभी आती है कानून को धोखा देने की, वक्फ बोर्ड को धोखा देने की, मिनिस्टर को धोखा देने की, तभी हिम्मत आती है जब कोई पॉलिटिकल पावर पीछे से रहा। ये बात तो मेरे से अच्छा आप भी जानते हैं कि किस तरह होता होगा, कोई भी स्कैंडल होने के लिए उसके पीछे एक ताकत होती है। देखेंगे इंशाल्लाह, अगर रमीज साहब ये करते हैं, मिनिस्टर साहब को अल्लाह अजर देगा, हम तो देने से रहे कुछ। और वो जमीनात भी अल्लाह के नाम पे हमारे नहीं है, लोग वक्फ करे हैं, वो हमारे नहीं है, वो हमारे काम में भी नहीं, मैं ना मेरे ना आपके, वो काम में अगर आए भी जाएंगे तो किसी गरीब को। मस्जिद के जिम्मेदार को समझ में नहीं आता है ये कौम का काम है, नहीं समझ में आता है। किसको समझ में आना चाहिए, मिनिस्टर MLA आना क्या इसमें भी आपकी कोई जरूरत है उनको? मैं MLA इलेक्शन में आप जाकर सब लोगों के कान में जो फूकते हैं महबस के मस्जिद के, वो तमाम लोग नहीं, यही होना, क्योंकि तुम्हें कोई हिसाब पूछने वाला नहीं चाहिए, कोई हिसाब पूछने वाला नहीं चाहिए, इसीलिए तुम वही लाते हैं, वही रबर स्टैंप लाते हैं, वही रबर स्टैंप से काम चलता है। मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ, इनको चलना ही सिखाया है कमर इस्लाम, इतने कॉन्फिडेंस से जो बोल रहा हूँ। वक्फ बोर्ड की जमीन को कैसे लिया जाता है, कैसे बेचा जाता है, हाँ आज सबसे ज्यादा परेशान नूरबाग के लोग है नहीं, वो खमर इस्लाम की देन है, और वही अमल कर कर ये लोग एशियन मॉल बनाए। ये चीजें हम मिसाल जिंदा है बहुत, मैं किसी पे पर्टिकुलर ऐसा के सिर्फ बगैर सबूत की उंगली नहीं उठा रहा हूँ, आप देख ले, मैं झूठ जहाँ झूठ बोल रहा हूँ मुझे पूछ ले। मैं आपको इसीलिए इतनी फाइल जमीर अहमद खान साहब के हाथ में गए वैसा कर दिया, बता के दिया, भाई साहब साइन, मुझे साइन नहीं चाहिए आपकी, मैं ऑटोग्राफ लेने को नहीं आया, ये अल्लाह के घर का मसला है, इसको हल कराने आया। एक सिस्टम मैं चाहता हूँ, जमीर अहमद खान साहब अगर ये सुन रहे हैं तो, मस्जिद का ओपन इलेक्शन हो, ओपन मेंबरशिप हो, मेरी कोई जाति ख्वाहिश नहीं। और आप लिख दीजिए मोहम्मद इसहाक सिद्दीकी उर्फ इम्तियाज सिद्दीकी, ताउम्र मेरे खानदान में से भी कोई अगर महबस का मेंबर नहीं बन सकता, मुझे अफसोस नहीं है, लेकिन शहरयार गुलबर्गा को वहाँ पे मेंबरशिप दे, वहाँ पे बड़े ओहदों पे रखे, ताकि लोगों को सही मानों में मदद मिले, फैसला उसला कुछ होने वाला नहीं, मदद मिले, खास करके मस्जिद के पैसों से, क्योंकि कोई आदमी सदर सेक्रेटरी कोई भी मरा तो पैसे खबर में रख ले जाके अल्लाह को देने का नहीं है, वो पब्लिक में देना है, वो अल्लाह के घर के पैसे हैं।